हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर प्रीति और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेएम ट्यूट्स में। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास स्पेशली जेपीएससी, पीटी और झारखंड रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज की क्लास में टॉप 15 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हैं सारे क्वेश्चन पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये 1786 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को किसी भी निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को कब भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो 1859 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। अगला सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। अगला सवाल है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। भारत के आजादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला सवाल है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1859 द्वारा निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया। संविधान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्ति रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। चलते हैं अगला सवाल की ओर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। 389 सदस्य होने थे। अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितनी प्रतिनिधि थे। 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए टोटल 229 प्रतिनिधि थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का टॉप 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।